और सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ और मैं कईयों के जवाब भी देता हूँ। सबके जवाब नहीं दे पाया मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में जिस वजह से कभी कभी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। बट आपके कॉमेंट्स आते हैं इतने और मैंने सोचा कि मुझे वापस ट्रैक पर आना चाहिए। और कॉमेंट्स कई बार कुछ कॉमन कॉमेंट्स आते हैं जिनके जवाब मैं दे सकता हूँ वैसे तो, बट मैंने सोचा कि क्योंकि वीडियो भी नहीं बनाई है तो वीडियो भी बना लीजिए और आप लोगों के जवाब भी दे दिए जाएं। इस वीडियो में मैं बेसिकली जो मैंने वीडियो सर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड बनाई है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैंने गोल्ड जिम तो जानते होंगे आप, गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा है फिटनेस ट्रेनर का। तो राइट, तो उसके बारे में जैसे मैंने बात करी थी और प्लस मैं थोड़ी बहुत नॉलेज देता रहता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, जैसे भी है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई कहाँ से होता है, कितनी फीस है, क्या है, बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने सवालों के जवाब मैं कम से कम टाइम में दे पाऊँ आप लोगों को, राइट, उतना बढ़िया होगा। तो सवाल लेते हैं फिटनेस कोर्सेज से रिलेटेड। भाई मेरी लुक पे मत जाना, मेरी हालत मेरी फटी पड़ी है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस मुद्दे में, मतलब जो मैं आपके सवाल क्लियर कर रहा हूँ, राइट। तो फिटनेस कोर्सेज से रिलेटेड जो जो आपके सवाल हैं, जितनी भी मैं नॉलेज दे सकता हूं, जितनी मेरे को है मैं दूंगा। एक सवाल अभी रिसेंटली किसी बंदे ने पूछा कि भाई जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या कोई, मैंने GGFI फिटनेस, GGFI मतलब गोल्ड जिम वाले फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक बंदे ने पूछा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है क्या कोई इनका इंस्टीट्यूट। तो भाई मैं क्लियर कर देता हूं आपको कहां कहां पे इनके इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, लिख लो बेशक, हालांकि मैं यहां पे भी लिख दूंगा हो सका तो। फिलहाल इनकी एक ब्रांच है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो लोकेशन है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको बकायदा लिंक डाल दूंगा, बड़े गौर से सुनो, मैं लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो के नीचे, जिस लिंक पे जाके आपको बकायदा ऑफिशियल वेबसाइट में इनकी लोकेशंस और उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप चले जाना। तो इनकी कुछ अपकमिंग लोकेशंस भी शो हो रही हैं, यानी कि जिन लोकेशंस पे इनके खुलने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, जल्दी ही वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इसी लिंक पे आपको वैसे मिल जाएंगी डिटेल। सूरत में आपको मिल जाएगी, ठीक है, सूरत में इनकी खुलने वाली है देव एवेन्यू ऑपोजिट ककड़िया कॉम्प्लेक्स सूरत में, ठीक है। कानपुर में इनकी एक खुलने वाली है ब्रांच, अगर आप कानपुर में या कानपुर में नियर बाय कहीं तो वहां से आपको बेनिफिट मिल पाएगा। गोल्ड जिम की स्पेसिफाई कर दूं मैं, गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं फिटनेस रिलेटेड, ठीक है, यहाँ गोल्ड जिम की स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। तो कानपुर में इनकी माल रोड कानपुर वेस्टकोट बिल्डिंग करके कोई है, वहां पे खुलेगी, ठीक है, ये अपकमिंग लोकेशन है। तो अभी इनकी तो भाई यही लोकेशंस हैं जहां पे इनके फिलहाल इंस्टीट्यूट हैं, जहां से आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और सवाल लेते हैं भाई, एक बंदे ने पूछा कि भाई ये कोर्स ऑस्ट्रेलिया में भी एप्लीकेबल है क्या। भाई देखो, जो फिटनेस की नॉलेज है, जो ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज है, जो भी बायोलॉजी है, जो भी साइंस है, वो तो भाई वर्ल्ड में हर जगह सेम ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। बाकी देखो, कोर्स आप कोई सा भी करो, आप चाहे GGFI का करो, चाहे कहीं का भी करो, मेन आपकी नॉलेज होती है। बाकी आप जिस भी इंस्टीट्यूट, आई एम सॉरी, बाकी आप अगर किसी भी जिम में या किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, वहां पे वो लोग किस चीज को कंसिडर करते हैं, किस इंस्टीट्यूट को कंसिडर करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं गया, तो इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, राइट। बाकी क्योंकि देखो, बायोलॉजी जो साइंस है वो तो हर जगह सेम एप्लीकेबल होती है, वो लोग किसको कंसिडर करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपके पास जेन्युइन नॉलेज है, रियल नॉलेज है, तो आपके पास नॉलेज है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। बाकी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नॉलेज ली है क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है वहां से, तो भाई नॉलेज इज ऑन पॉइंट, ठीक है। बाकी कोई भी चीज हमेशा सेम नहीं रहती है, सपोज मैंने आज कोर्स कर लिया, साल दो साल चार साल कुछ टाइम बाद कोई नई रिसर्चेज होती हैं, उसमें कुछ नया पता चलता है, तो ऑफकोर्स वो नॉलेज फिर अपडेट हो जाती है, वो सिलेबस वो करिकुलम अपडेट हो जाता है, राइट। इसीलिए सारे फिटनेस कोर्सेज में उनको रिन्यू भी कराना होता है, आपको पता होगा रिन्यू भी होते हैं वो कोर्सेज। वो रिन्यू किस लिए होते हैं, वो रिन्यू इसलिए होते हैं हर दो साल तीन साल
टाइम के बाद आपका जो सर्टिफिकेशन होता है वो वैलिड नहीं रहता, वो एक्सपायर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये साइंस है और इसमें रिसर्चेस होती रहती हैं, नई चीजें आती रहती हैं, राइट? तो इसलिए आप कांस्टेंट नहीं रहती एक भी चीज, एक चीज, राइट? बाकी टिल डेट जो भी नॉलेज है, जो भी फैक्ट्स हैं, अगर उनकी आपको नॉलेज है तो आपको कंसिडर बिल्कुल किया जाएगा। बाकी कोई फिटनेस सेंटर, कोई जिम वगैरह, अगर उनका एक अपना प्रोटोकॉल हो कि हम यहाँ के लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ के लोग नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। वो मैं कोशिश करूंगा, इसके बारे में मैं नॉलेज गैदर करूंगा, उसके बारे में मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर कर सकूं। इस पे अभी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी यार वीडियो बनना, ठीक है? और सवाल उठाते हैं फिलहाल। एक सवाल है, जस्सी बंसल जी पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है कोर्स। तो भाई देखो, इंडिया में है इनकी ब्रांचेस, और इंडिया में मोस्टली एक लैंग्वेज तो अपनी यूनिवर्सल है ही, हिंदी। जो जो मैंने लोकेशन बताई है वहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है? और साथ में थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है। एक सवाल MJS मोटिवेशनल डायरी ने पूछा है कि सर सैलरी के अलावा PT के भी इंसेंटिव मिलते होंगे ना? भाई बिल्कुल, PT मतलब पर्सनल ट्रेनिंग। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ठीक है? भाई सैलरी के अलावा PT ऑफ कोर्स, क्या नाम से, आप जब भी जिम में जाओगे तो वहाँ का जो जिम है वो एक बिजनेस है, वो खुद चाहते हैं कि उनको पर्सनल ट्रेनिंग्स मिले, मतलब क्लाइंट्स उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लें। पर्सनल ट्रेनिंग कौन दे पाएगा? ट्रेनर दे पाएंगे, आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, राइट? तो आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके हिसाब से उनका कुछ कमीशन होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा हर जिम में, ठीक है? जहां पे भी आप जॉब वगैरह करते हैं, जिम की बात कर रहा हूँ, आप पर्सनली PT लेते हैं वो तो फिर आपके पास पूरा जाएगा, क्योंकि फिर तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? वैसे जिम में क्या होता है, मोस्टली 50-50 भी होता है, 60-40 भी होता है। 60-40% की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सपोज अगर एक क्लाइंट ने अगर 10,000 की PT ली महीने में, तो जिम जिम विल टेक 60%, और 40% आपकी सैलरी में ऐड होगा, सैलरी के अलावा वो इंसेंटिव ऐड होगा। कहीं 50-50 भी होता है, कहीं 70-30 भी हो सकता है, कहीं 40-60, ये रेशो वेरी कर सकता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये मैं आज किसी का बता भी दूँ, सारे जिम्स का भी बेशक, तो ये फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है? लेकिन इंसेंटिव जरूर मिलता है, राइट? अगले सवाल पे चलते हैं। काव्या यादव ने पूछा कि सर MP में ओनली इंदौर एंड भोपाल में अवेलेबल है। तो भाई जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मैंने आपको बताया, मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से चेक करके बताया कि MP में फिलहाल इनका भोपाल में ही शो हो रहा है, इंदौर में नहीं है, राइट? तो भोपाल में जो एड्रेस है वो मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करोगे आपको भोपाल लोकेशन का भी एड्रेस दिख जाएगा, अपना कानपुर का। इंदौर में तो नहीं है, और ना ही इनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है, अपकमिंग लोकेशन में नहीं शो हो रहा, तो फिलहाल भोपाल में ही है, ठीक है? भाई एक पूछ रहा है अनिल एस करके, भाई मेरा डिप्लोमा इनकम्प्लीट हुआ है, चलता है ना? भाई आपने डिप्लोमा कब करा? आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा कर रहे हो, 10th के बाद कोई डिप्लोमा कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। उसके लिए देखो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि 12th का मेन क्राइटेरिया होता है, अगर आपने 12th कर रखी है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। एक बंदे ने पूछा, मोटिवेशन मोटिवेशन करके चैनल है, कैन आई डू इट एट द एज ऑफ 35? भाई आपका चैनल मोटिवेशन वाला है, और आपको तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है? कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हर जगह थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई, आप 35 के, आप 40 की एज में भी कर सकते हो, 45 की एज में भी कर सकते हो, ये नॉलेज है, नॉलेज आप कभी भी ले सकते हो। आपको नॉलेज पास करनी है, आपको लोगों को रिजल्ट्स देने हैं, उनको बेनिफिट देना है, वैल्यू देनी है उनके पैसे की, तो भाई बिल्कुल आप किसी भी एज में कर सकते हो। 35 तो क्या, 45 में भी कर सकते हो, 10 साल बाद भी कर सकते हो, लेकिन 10 साल बाद मतलब लिटरली मत ले जाना भाई, कहीं 10 साल बाद ही करने लग जाओ, कर लो 35 में, ठीक है? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। जब मैंने करा था मेरे टाइम पे भी 35 और उससे ऊपर की एज के भी लोग थे जो कर रहे थे, 35, 38 भी थे, 40 भी थे मेरे ख्याल से कोई कोई, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप आराम से कर सकते हो। और भाई एक चीज और मैं बोल दूं कि जो एज वाली बात तो खैर मैंने बताई दी, जो लैंग्वेज वाली बात है वो मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी और सवाल है कि सर हिंदी में है क्या या कौन सी लैंग्वेज में, मैं और सेम सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, और लोकेशन वाला सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूँ, लिंक भी शेयर कर चुका हूँ कि कौन कौन से लोकेशन पे है, तो वो भी सिमिलर अगर सवाल आते हैं तो मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो खामखा लंबी होगी, राइट? और आप भी बार बार सेम चीज सुन के भाई बोर हो जाओगे, मुझे पता है, सब हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक बंदे शादाब खान वो कह रहे हैं आपका नंबर चाहिए भैया। भाई मेरा नंबर मैं ये डाल रहा हूँ, जिसको भी कॉल करना हो कर लेना, और अगर इस बात को आप सीरियसली ले रहे हो तो भाई आप गलत हो, क्योंकि भाई नंबर डाल दूंगा, सारे लोग कॉल करोगे, मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम AmitKMR394 आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो भाई वहां पे आप आओ, मेरे को मैसेज करो। मैं बिल्कुल जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हो जिन्होंने मैसेज करूँ उनके जवाब नहीं दे पाया। भाई मैंने बताया ना कि लाइफ की कुछ चीजें लेकिन हम अब मैं वापस ट्रैक पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो है ना वो कहावत के बंदर कुछ भी हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, तो हम भी भाई फिटनेस की तरफ इंक्लाइंड लोग हैं, तो हमारा इंक्लिनेशन है फिटनेस की तरफ, तो भाई घूम फिर के वहां ही जाता है बंदा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मैं किसी की मदद कर सकूं वो तो भाई मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है, कि अगर मैं कर सकूं तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूंगा, राइट, कर रहा हूं, मतलब जो भी आप समझो, मैं थोड़ी कई बार शब्द मेरे को हो जाते हैं जंबल, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, तो भाई AmitKMR394 इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे को मैसेज करो, और वहां पे क्या नाम से मैं करता हूँ आपसे बात, और पर्सनल नंबर भी शेयर कर देंगे यार, कोई दिक्कत वाली अभी यार यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यार आपके बहुत सारे सवाल होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं किसने क्या क्या कहना होगा, मैं सबके मैं कॉल रिसीव या मैसेज वगैरह रिसीव नहीं कर सकता ना मेरे भाई, फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। कोशिश तो मैं वीडियोज में कवर करने ही करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें, ठीक है। वापस वीडियो पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड रहेगा कि कॉमर्स वालों के लिए? भाई कॉमर्स BBA करिए भाई, कोई हार्ड नहीं होता भाई, कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक कोर्स तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, और क्या होता है जब आप फिटनेस की इन्फॉर्मेशन लेने लग जाते हो तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे ईजी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में हर चीज़ हार्ड होती है, और ये तो वैसे भी इतनी कुछ हार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, पूनम शर्मा ये फीमेल है जहां तक मुझे लग रहा है, कोई नाम बदल के भी लिख लेते हैं, ठीक है, खैर वो एक अलग चीज है। तो पूनम शर्मा जी बिल्कुल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग जब मैंने करा था तो वो भी कॉमर्स के आर्ट्स के ऐसे स्टूडेंट थे, साइंस के बहुत बहुत कम थे, ऑनेस्टली बताऊं। साइंस वालों को थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है, जिनका बायोलॉजी वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड होता है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा चीजें रेलेवेंट होती हैं, थोड़ा सेंस बन रहा होता है उनको शुरुआत से, बाकी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये एक एक काइंड ऑफ बिगिनर लेवल का कोर्स है, हालांकि ये काफी डेप्थ में है, तो इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ट्रस्ट में। अगर आपने ये कोर्स भी चार्ट लिया अच्छे से, तो आप अच्छे से अच्छे बंदे को, इवन एक डॉक्टर के सामने भी आप खड़े होकर बात कर सकते हो, और वो कहेगा हाँ इस बंदे को पता है, ही नोज अ थिंग और टू अबाउट दिस, राइट। ऑफकोर्स आप एक डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपको कई चीजें पता चल जाएंगी अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं, तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ऑनेस्टली, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चीजों को थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजी है, कोई दिक्कत, मैं कर सकता हूं तो भाई कोई भी कर सकता है, ऑनेस्टली सच बता रहा हूं। लक्ष्मण फर्स्ट वन करके पूछ रहे हैं बंदे कि हर 2 साल बाद फीस भी पे करनी पड़ती है, तो भाई बिल्कुल 2 साल के बाद रिन्यू आपको कराना होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है अगर आपको उस कोर्स को, अगर आपको वो करना है, हालांकि आप चाहो तो ना भी करवाओ, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करवाते, देखो मैं ये पर्सनल चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी करवाते, क्योंकि देखो नॉलेज आपके पास आ चुकी है, आप चाहो करवा सकते हो, आप अपडेट हो जाओगे बिल्कुल। अगर आपको कोई और कोर्स करना है आप वो भी कर सकते हो, सर जैसे कि सपोज हम GGF, अगर आपने कहा कि यार मैं वो मेरा मन कर रहा है मैं ACE कर लूँ, तो वो कर लो, फिर जरूरी नहीं है इसको अपडेट करना, क्योंकि आप आज जो आप ACE का करोगे तो वो अपडेटेड वर्जन होगा, राइट। तो आप वो कर सकते हो, आप कोई और चाहो आप वो कर सकते हो, आप उसी को रिन्यू कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि रिन्यू जब आप कराओगे तो आपकी टोटल वही फीस नहीं लगेगी जो आपने पहले दी थी, जैसे सपोज आपने अगर आपने 30,000 रुपए दिए कोर्स के, तो जब रिन्यू के टाइम आपको वो 30,000 नहीं देने होंगे, वो कम होते हैं और वो बदलती रहती है, तो मैं आप एक फिगर नहीं डाल सकता, लेकिन वो कम होती है, वो मेरे ख्याल से 5-7-8 हज़ार होती है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। वो पूरे आपको 30,000 रुपए नहीं देने होंगे, लेकिन होती जरूर है और वो वेरी करती रहती है, राइट। तो वो आप इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हो, लिंक मैंने दे रखा है, तो आप वहां से पता कर सकते हो। मैं यार एक चीज और बता दूं, मैं कोई GGFI को प्रमोट नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ GGFI की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां से किया कोर्स, तो उसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। बाकी जो जनरल चीजें होती हैं वो तो भाई पता ही है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चालीस हजार
फीस जो है तो ये पूरे कोर्स की है या मंथली है? भाई मेरे ये जो फीस है ये पूरे कोर्स की होगी आपकी, ये कोई मंथली नहीं है। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है जो मैंने किया था, जो मैंने जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था, ये 3 महीने कुछ का कोर्स था। तो वो जो 40,000 जो आपसे मांग रहे हैं मेरे टाइम पे कम थी, सच बता रहा हूँ। मैंने 26,000 कुछ लगी थी मेरी फीस। अब हो सकता है बढ़ गई हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो गए करे हुए। तो हाँ, तो ये पूरे कोर्स के मेरे भाई, ये मंथली नहीं है, टेंशन मत लो। यश मिधा ये कह रही हैं, क्योंकि फीमेल ट्रेनर इन्होंने मेंशन करा है कमेंट में कि मैं एक फीमेल ट्रेनर बनना चाहती हूँ, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका फिटनेस में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप GGFI का कर सकते हो, या आप एस का भी कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनर का कोर्स। एस इज ऑल्सो वन ऑफ दी बेस्ट कोर्सेज एवर जो आप देखेंगी, राइट? तो आप एस भी कर सकते हो, और आप चाहो तो आप गोल्ड्स जिम का जो GGFI ये भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, राइट? एस में क्या होता है, एस में बेसिकली कोई आपका वो नहीं होगा, कोई आपको कोई क्लासरूम या कोई लोकेशन नहीं होगी जहाँ पे आपको जाके क्लास लेनी होगी। उसमें मटेरियल आपको दे दिया जाता है, जहाँ से आपको यू नो खुद ही सेल्फ लर्निंग है उसमें बेसिकली। अगर आप लोग चाहते हो, देखो वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, जो भी देख रहे हो प्लीज सीरियसली सुनो, प्लीज प्लीज, अगर आप चाहते हो कि एस के बारे में मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ और एस के कोर्सेज के बारे में आपको बताऊँ, तो भाई मेरे को कमेंट में लिखो कि हाँ बताओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ। वीडियो को लाइक करो यार थोड़ा बहुत, ठीक है, कमेंट में जरूर बताओ, ताकि मैं एस के बारे में भी डिटेल ढंग से गैदर करूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कैसे आपको एजुकेशन मिलेगी, क्या सब कुछ है। तो वीडियो में आपको सारी डिटेल में दे दूंगा, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया कि आप GGFI भी कर सकते हो, वेरी गुड कोर्स, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा GGFI, क्योंकि वहां पे आपको क्लास में ट्रेनिंग मिलेगी, एक आपके सामने सर होंगे जो यू नो जो एक्सपर्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होंगे, वही लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? कोई ग्यारह ग्यारह नहीं पढ़ाता कि बस कोर्स याद कर लिया और पढ़ा दिया, नहीं, वो पूरे प्रोफेशनल होते हैं, पूरे एक्सपर्ट होते हैं, उसी फील्ड के होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता तो मैं आपको सेल्फ लर्निंग का बोल सकता था। तो GGFI कर सकते हैं आप बेटर, और भी ऑप्शन है वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने GGFI की वीडियो में कमेंट किया है, तो इसलिए मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल। ब्रो एज एबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं विवान स्टार। तो भाई एज एबिलिटी मतलब कि ये वही पूछ रहे हैं कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। तो भाई कम से कम एज वही है आपकी, यू नो आपने 12th कर रखी हो, तो एज इज नॉट अ बैरियर, बट 12th आपको कर लेनी चाहिए, राइट? आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन जिम, कैन यू प्लीज एडवाइस दैट डू आई नीड टू गेट ट्रेनर सर्टिफिकेट? भाई देखो, कोई मैंडेटरी वाली चीज नहीं है कि आपको जिम अपना खोलने के लिए, अपना एक बिजनेस खोलने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए ही होगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो फॉर श्योर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और राइट, तो अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अपने क्लाइंट्स को भी, आप अपने कस्टमर्स को भी सही इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, जिससे अल्टीमेटली उनको बेनिफिट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, तो वो आपके यू नो क्लाइंट बने रहेंगे और वो और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, राइट? और अल्टीमेटली आपका गोल ही होना भी यही चाहिए कि अगर आप अपना जिम खोल रहे हैं तो आप लोगों को सही नॉलेज दें, सही वैल्यू दें, जिससे यू नो उनको बेनिफिट मिले, उनका फायदा हो। तो अगर आप सर्टिफिकेशन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट मैंडेटरी कोई नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है बेसिक, और आपको लगता है कि आप उनको सही नॉलेज दे सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स एजुकेशन इज एजुकेशन, आपके पास सही नॉलेज आएगी तो की बात अलग ही है भाई, और जरूरी इसलिए भी क्योंकि आजकल ब्रो साइंस बहुत ज्यादा फैल रही है, गलत नॉलेज फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में आप जैसे लोगों को ना बहुत जरूरी है जो सही इंफॉर्मेशन दे, तो भाई कर लो, मैं तो कहूंगा। विशाल शर्मा एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर एडवांस पर्सनल ट्रेनर को अप्रोक्स कितनी सैलरी मिल जाती है? भाई देखो, आप किसी भी फील्ड में कोई भी कोर्स करते हो, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, स्टार्टिंग सैलरी जो इंडिया में मोस्टली वेरी जो करती है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, फिगर जो 12,000 से 15,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, जो बेसिक होती है। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते हो आपकी नॉलेज बढ़ती है, फिर इसमें क्या है, इसमें पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। अगर आपके पास नॉलेज है और आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं, थोड़ा इंटरेक्शन आप सही से कर लेते हो लोगों से, तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी आसानी से मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको
बड़े समय लेके चलते हैं। आपको अगर शुरुआत में 2-3-4-5 महीने हुए आपको काम करते हो, और शुरुआत में अगर आपको महीने की 2-3 PTB मिल जाती हैं, 2 PTB मिल जाती हैं जिम की तरफ से बेशक, तो भी आप 25-30 हज़ार 35 हज़ार सैलरी आप आराम से कर सकते हो। बहुत ही कम चीज बोल रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी अपर लिमिट तो किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं है, आप किसी भी फील्ड में कितना भी कमा सकते हो, वो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। आज के टाइम में तो देर इज नो लिमिट, सच में। पहले के टाइम में हम कह सकते थे यार इससे ज्यादा मुश्किल है, बट आज के टाइम में लिटरली कोई लिमिट नहीं है। जॉन रावत भैया, GMS फिटनेस एकेडमी के बारे में बताओ। भाई उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, तो वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। इसमें मैं फिलहाल GGFI के बारे में कवर कर रहा हूँ, GMS के बारे में, क्योंकि देखो कोर्सेज कराने वाले आज के डेट में बहुत हो गए हैं, तो नॉलेज उठानी पड़ेगी मेरे को। पहले देखना पड़ेगा क्या उनका करिकुलम है, क्या उनका सिलेबस वगैरह, क्या चीज़ वो दे रहे हैं, क्या चीज़ उनकी फीस वगैरह, सब चीज़ें कितनी सूटेबल हैं, कितना क्या बैठेगा आपके लिए सही से, तब मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। विनय गायकवाड पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड जिम इंस्टीट्यूट में न्यूट्रिशन का कोर्स कराते हैं, और कराते हैं तो उसकी फीस क्या है। भाई इसमें क्या नाम से, गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट में न्यूट्रिशन का कोई कोर्स नहीं है, जितना मैंने चेक किया है। इनकी उन्होंने वेबसाइट पर मेंशन कर नहीं रखा है, ठीक है, और जब मैंने कोर्स किया था तब भी कोई न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं था। इनका वही पर्सनल ट्रेनर वाला कोर्स है, उसमें एक बेसिक न्यूट्रिशन का सेगमेंट जरूर है, यानी कि सिलेबस में, कोर्स कॉन्टेंट में बेसिक न्यूट्रिशन जरूर है जो वो बताते हैं, वो भी अच्छा खासा, मतलब बेसिक, सच में वो बेसिक है, और बेसिक से थोड़ा ज्यादा ही है ऑनेस्टली बताऊं तो। लेकिन हाँ, उसको पढ़ के आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं कहला सकते, राइट। तो क्या करता मैं, हाँ, तो भाई अभी कोई प्रॉपरली डेडिकेटेड न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं है GGFI में, ठीक है। बाकी जो है, बाकी अलग के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, चाहिए अगर आपको वीडियो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल में ढंग से इंफॉर्मेशन लेके आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे सबको ही बेनिफिट मिलेगा। तो GGFI में तो भाई अभी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप मैंने आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब दे दिए हैं। कैमरे की बैटरी बहुत कम है, तो भाई सारे जवाब मैंने दे दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने कुछ भूल गया हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, मैं डायरेक्टली वहीं पे जवाब दे दूंगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यही थे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वीडियो को भाई क्या नाम से लाइक शेयर, तो मैं इसमें ऐसा क्या मतलब शेयर वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, कर सकते हो, वैसे हेल्पफुल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लाइक ज़रूर करना यार, ताकि थोड़ी एंगेजमेंट मिले वीडियो को, और ज़रूरी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। और सॉरी यार, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने कईयों के जवाब वीडियो भी दे दिए थे, बट कईयों के मैं नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा वीडियो बना दी जाए, क्योंकि कईयों के सिमिलर सवाल थे, राइट। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, जल्दी आएगी भाई, इस बार लेट नहीं आएगी, कसम से नहीं आएगी, ठीक है, कोशिश तो पूरी यही है, ठीक है। बाकी बुरा वाला ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं किया है, तो कर रखा है तो भाई बेल का आइकन दबा दो अगर अभी भी दबा रखा है, तो दोनों कर रखा है तो बढ़िया बात है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।